रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं। ZNO plus C is equal to ZN plus CO, समीकरण 28। MnO2 plus 4HCl is equal to MnCl2 plus twice H2O plus Cl2, समीकरण 29। अभिक्रिया 28 में कार्बन ऑक्सीकृत होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है। अभिक्रिया 29 में मैंगनीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अर्थात उसका अपचयन हो रहा है, तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोजन ऑक्सीजन ग्रहण करके पानी में ऑक्सीकृत हो रहा है। ऊपर दिए गए उदाहरणों के आधार पर हम कहते हैं कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण एवं हाइड्रोजन ग्रहण करने या ऑक्सीजन त्याग करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। क्या ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर समझाया जा सकता है? क्रियाकलाप एक में मैग्नीशियम का तार ऑक्सीजन के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद चूर्ण बनाता है। ट्वाइस Mg प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस MgO, समीकरण 30। हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम के ऑक्सीकरण से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यदि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की अभिक्रिया पर विचार करें तो मैग्नीशियम के अंतिम कोश में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिन्हें त्याग कर मैग्नीशियम धनायन बनाता है। Mg इज इक्वल टू Mg2 प्लस प्लस 2e, समीकरण 31। इन इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्साइड आयन ऋणायन में परिवर्तित हो जाती है। O प्लस 2e इज इक्वल टू O 2 माइनस अथवा O2 प्लस 4e इज इक्वल टू ट्वाइस O 2 माइनस, समीकरण 32। इस प्रकार मैग्नीशियम द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब तक हमने अभिकारक और उत्पाद के बनने के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया है। आइए अब हम इस अध्याय में किए गए कुछ क्रियाकलापों के बारे में फिर से विचार करें। क्रियाकलाप 4 में आपने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्रियाकलाप 1 पर ध्यान दें जिसमें मैग्नीशियम रिबन को स्प्रिट लैंप की सहायता से जलाते हैं। पहला, क्या यह एक संयोजन अभिक्रिया है? दूसरा, क्या इसमें ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है? तीसरा, क्या यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? क्रियाकलाप 3 पर ध्यान दें जिसमें आपने जिंक की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई। क्या यह विस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं। पहला, प्राकृतिक गैस का दहन। CH4 plus twice O2 is equal to CO2 plus twice H2O plus ऊष्मा, समीकरण 33। दूसरा, श्वसन तथा हरी भरी सब्जियों से खाद बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।